हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और वेलकम ऑन टेक्निशिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएशन ऑफ जी बाय एल्टीट्यूड लैटिट्यूड एंड डेप्थ। मींस जी की वैल्यू, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वेरी होती है हाइट मींस एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड दैट मींस पोजिशन ऑन द अर्थ एंड द डेप्थ दैट मींस गहराई। तो इन तीनों कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट मींस स्मॉल जी की वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंज होती है, तो इन तीनों के लिए मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड यानी हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद द डेरिवेशन। तो हमें पता है कि स्मॉल जी दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी into capital M divided by R square. Here capital G is gravitational constant, M is a mass of earth and R is a radius of earth. यहां assume कर, actually G is a gravitational constant, mass is a, M is a mass of object, any object, और R is a radius of that object. That means अगर object earth है तो उसका R जो होगा वो earth का radius होगा, इतना पता है। अब अगर G is equal to GM divided by R square होता है तो therefore g h is equal to, that means acceleration due to gravity at certain height is equal to kya ho jayega, same g m, abhi radius kya ho jayega, radius mein height jo hai na wo add ho jayegi, that means r plus h ka square, understood, that means g h is equal to g m divided by r plus h ka square, itna samjha from equation 1 एंड इक्वेशन 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, दैट मींस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, ऐसा जी एच डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू ये वाला टर्म जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इजी, दैट हियर जी एम कैंसल हो जाएगा और इधर क्या होगा जी एच डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू ये आर स्क्वायर है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, इजी, ठीक है। अब यहां पर था जी एच डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, हम लोग को हाइट में चाहिए ना, हाइट की वैल्यू चाहिए क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो यहां पर हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे। तो हाइट कंसीडर करने के लिए ये जो जी है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, खत्म, ये हो गया। बट अगर हम लोग देखें जी एच डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, अगर इसी कंडीशन को हमको सॉल्व करना है तो जी एच डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। आपने बेसिकली इक्वेशन तो निकाल लिया जी एच के लिए, मीन सर्टन हाइट पे अगर फाइंड आउट करना तो ये इक्वेशन हो गया, बट इसको और हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया बट इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो जी एच बाय जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, ये यहां वाली कंडीशन है, ठीक है। अभी यहां पर हमको कॉमन अगर लेना चाहे तो अगर ऊपर से मैं कॉमन लेना चाहता हूं तो यहां पर आर स्क्वायर ऊपर है, ठीक है, नीचे से अगर आर स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूं तो यहां पर सिंगल आर है और आर स्क्वायर है, दैट मींस आर स्क्वायर यहां पर है बट यहां पर एच है, यहां पर आर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर इधर लिया, इधर क्या हो गया वन प्लस, मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा दोनों टर्म में आर स्क्वायर से, तो इधर आर स्क्वायर से अगर एच में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा वो टर्म h बाय r का स्क्वायर, इतना समझा, बहुत इजी है, ये कैंसिल हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा इक्वेशन, अब क्योंकि ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1 प्लस h बाय r का स्क्वायर, दैट मींस ये इनवर्स में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस h बाय r रेज टू माइनस 2, इतना समझा, एकदम इजी, 1 प्लस h डिवाइड बाय r रेज टू माइनस 2। अब प्रॉब्लम लोगों को कहां आती है, समझो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट मींस ऊपर का जो स्क्वायर होता है वो बीच वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहां भी वही कंडीशन होगा, यहां पर क्या हो जाएगा
वन माइनस, जब ये टू मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स वहां टू रहता था तो वो मल्टीप्लाई होता था, यहां क्या है माइनस टू, तो माइनस टू ए दैट मीन्स वन, बी की वैल्यू क्या है एच बाय आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आएगा। बट हायर पावर ऑफ एच बाय आर आर नेग्लेक्टेड, क्योंकि रीजन ये हाइट और रेशियो, अगर यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि h by r is less than 1, अगर 1 का स्क्वायर होता तो वैल्यू होती है 1, बट ये जो वैल्यू है ये 1 से भी छोटी है, मींस 1 से भी बहुत बहुत छोटी है, ठीक है। तो जब ये बहुत बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर भी हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर होता है तो क्या आता है 1, बट अगर 1 से भी छोटा है तो हम लोग इसके पावर को भी निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा टर्म हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, h by r के जो हायर पावर है उसको हम लोग कर देंगे निग्लेक्ट, पावर निग्लेक्ट, ठीक है। दैट मींस आपका पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां पर लिखता हूं, आपका इक्वेशन फाइनली बनेगा ये कि g h इज इक्वल टू g, ये वाला g इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h डिवाइड बाय r, क्या बना gh इज इक्वल टू g ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट है ब्रैकेट 1 माइनस 2h डिवाइड बाय r। तो ये हो गया g की वैल्यू फाइंड आउट एट सर्टन एल्टीट्यूड पे और सर्टन हाइट पे, आप इस फॉर्मूले को यूज करके बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो g की वैल्यू। That's it for this video. Next video में हम लोग देखेंगे variation of g due to depth और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं latitude. So that's it for this video. मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे और वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अगर कोई वीडियो पार्ट्स में है तो आप उसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी टेकी, बी रिलीजियस एंड बी एजुकेटेड गाइज।